शाक्स, स्नैकिंग हम सब करते हैं, ये जानते हो कि वो कितने अनहेल्दी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ये बुरी आदत छोड़ दें तो आप सब इमोशंस की लहर से गुजरेंगे। पहला, डिनायल। ये पोटैटो चिप्स में आलू ही तो होता है और आलू तो एक सब्जी है ना। दूसरा, गुस्सा। ये हेल्दी स्नैकिंग को क्या इसकी तरह टेस्टी नहीं बना सकते? तीसरा, बार्गेनिंग। 3 पैकेट चिप्स खाने से कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम तो 4 के बाद आती है ना। और आखिर में, एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ये बिना नमक, बिना तेल और बिना स्वाद का स्नैक्स ही मेरे स्नैकिंग का फ्यूचर है। शार्क्स, 1 पैकेट चिप्स या चॉकलेट का खाने के लिए इतने सारे इमोशन से गुजरना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, इसीलिए लेकर आए हैं हम सोरिश के प्रोडक्ट्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम रिचा है। और मेरा नाम है सौरभ, हम दिल्ली से आए हैं। हम सोरिश में हेल्दी न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि पीनट बटर, एनर्जी बार्स, रोस्टेड सीड्स, नट मिक्सेस एंड सीड मिक्सेस। हमारी एक एक रेसिपी इस तरह से तैयार की गई है कि हमें किसी भी एक भी इंग्रेडिएंट को फ्राई नहीं करना पड़ता और उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हम उन्हें इंटैक्ट रखते हैं। जब हमने सोरिज की शुरुआत की थी तो हमने अपने पेरेंट्स से बोला कि हमारी शादी हम मंदिर में कर लेते हैं और वो हमारी शादी के पैसे हमें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने थे। अरे, और वो मान भी गए और जिसकी वजह से सोरिज स्टार्ट हुआ। आज सोरिज एक हेल्थ रेवोल्यूशन बन गया है जो 20,000 से ज़्यादा फैमिलीज को हेल्प कर रहा है टू चूज हेल्दी लाइफस्टाइल विद नो पाम ऑयल, नो मैदा, नो शुगर। शार्क्स, हमारा विजन है हम देश को एक हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन दे सके ताकि वो बिना किसी गिल्ट के स्नैकिंग एंजॉय कर सके। इसके लिए हमारा आस्क है 90 लाख फॉर 2.5% इक्विटी। 90 लाख क्या हो रहा है आज? तो शार्क्स, सोरिज के साथ एक ही इमोशन है, गिल्ट फ्री खुशी। नाइस। सौरभ, रिचा, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने कि आपने बोला कि अपने पेरेंट्स को बोला कि हमें शादी पे पैसा मत खर्चो, इस पे लगा दो। हाँ जी। सही में ये सच है? हाँ जी। ये क्यों हुआ ऐसे? एक्चुअली हमारी ऑलमोस्ट शादी सब कुछ प्लान हो चुका था, 2015 की बात है। हमने इवन बैंक्वेट्स वगैरह भी बुक कर लिए थे। wow. और जब लिस्ट आई कि इतना सारा रूम्स बुक होगा, ये खर्चा और ये खर्चा, और उसी समय एक्चुअली मेरी मदर कैंसर से रिकवर करा था, उनको 2013 एंड में कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो 14 वाज ऑल यू नो द वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर अस। फिर हम दोनों ने जब सारी कैलकुलेशन करी तो हमें लगा कि नहीं, ये पैसा अगर हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि तो कितना पैसा सेव किया? अराउंड 60-70 लाख। और सब आपने इसमें लगा दिया? हां जी। लेकिन ये आपने कब स्टार्ट किया? 2015। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मॉम को कैंसर डायग्नोज हुआ था तो मैंने उनके लिए बहुत सारी रिसर्च करी, थोड़ी आयुर्वेदा की हेल्प ली और कुछ टीज डेवलप किए थे सबसे पहले, और उनके डाइट में कुछ न्यूट्रिशनल ऐड करने के लिए प्रोडक्ट्स खुद से घर में ही बनाया था। तो वो सारे प्रोडक्ट्स जब बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर हुए तो उन्हें मेरे पास एक सर्ज ऑफ डिमांड आने लगी थी। वो मेरा एक ट्रिगर पॉइंट था, तो मेरे को लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। थोड़ा सैंपल कर लें आपका प्रोडक्ट्स, देख लेते हैं प्लीज। यस। 2 पीनट बटर्स। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा। I like it. इस पे लिखा है party mix spicy. Yes. Pudina treat pumpkin seeds. कितने SKUs हैं आपके? हमारे 67 SKUs हैं। मुझे आपका orange cashew बहुत अच्छा लगा, by the way. इसमें like ऐसे feels और at least हो रहा है कि real orange peel है क्या? Yeah, है। इसका price है 110 रुपए।
हाँ जी। एंड इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 65 ग्राम। यस। तो अगर ये हमने पैकेज स्पेशली क्विक कॉमर्स के लिए लॉन्च करे हैं, वहाँ का प्राइस पॉइंट जो है इट्स वेरी क्लोज टू 100 रुपीस। लेकिन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं फॉर सच अ स्मॉल क्वांटिटी। जनरली स्नैकिंग में देखें ये तो 20-25 रुपए की चीज होती है, तो ये 5 गुना मतलब बिक रहा है क्विक कॉमर्स पे। यस। ऑन व्हाट बेसिस? नट्स एंड सीड्स है, ड्राई फ्रूट्स बेसिकली। बट इट्स स्टिल सो। और कोई चीज का बता दीजिए मुझे। ये डेजर्ट बार, है ये तो ऑर्गेनिक नहीं है। ये ऑर्गेनिक नहीं, 70 रुपीस का। ये 70 रुपीस। और ये कहाँ मिलता है? ये ऑनलाइन Amazon, Flipkart, Nike एंड Smitten। तो ये सो रिच जो आपका नाम है मतलब बिल्कुल प्राइस के लिए प्राइस के हिसाब से ही। तो बहुत अच्छा है बिकॉज अपेरेंटली इसमें लिखा है कि इसमें 30% कैशू है। गुड पैकेजिंग, प्रोडक्ट भी टेस्ट में अच्छा है। लेकिन एक बात है, बेटर हो सकता है आई थिंक टेस्ट। बहुत सारे स्नैकिंग कंपनीज पिछले 3-4-5 साल में लॉन्च हुए हैं, D2C, ऑफलाइन, ऑनलाइन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। हाउ विल यू सेपरेट योरसेल्फ? सो कस्टमर को हम अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करते हैं, जो रेसिपीज बिना एडल्टरेशन के, बिना किसी प्रिजर्व्स के, और हमारी प्रोसेसेस एंड एसओपीज ऐसे सेट किए गए हैं, उसकी शेल्फ लाइफ हम पैकेजिंग में और प्रोडक्ट बनाने में इंक्रीज करते हैं। अगर आपको एक लाइन में बोला जाए कि कस्टमर के लिए आपका सबसे बड़ा USP है, तो वो आप क्या बोलेंगे? हमारा जो प्रोडक्ट है मिनिमम प्रोसेसिंग किया जाता है, जैसे कि आप अपने घर में खाना बनाते हैं, ये हमारा एक USP है। आपका हेल्दी स्नैकिंग है बेसिकली, वही तो हर कोई कहता है। आपका लास्ट 3 इयर्स का सेल्स बता दो मुझे। हमने लास्ट ईयर किया है 7.06 करोड़। ओह माय गॉड यार, आप लोग बहुत सरप्राइज करते हो। टिक सेल कैसे हो रही है यार इंडिया में? बहुत जबरदस्त, 7 करोड़ किया आपने लास्ट ईयर। यस। उससे पहले हमने किया था 6.3 करोड़, और उससे पहले हमने किया था 10.14 करोड़। कोविड ईयर। यस। उससे पहले हमने किया था 4.39 करोड़, इससे पहले हमने किया था 2.29 करोड़। ठीक है भाई, बस हो गया। अच्छा, और दिस ईयर? दिस ईयर वी आर, हमारा रन रेट है अराउंड 7.5 करोड़। तो मतलब बिजनेस फ्लैट है, ग्रो नहीं कर रहा है। लास्ट मंथ कितना किया आपने? 55 लाख। और कितना प्रॉफिट था उसमें? हमारा 5% का बर्न है। 5% का बर्न है। yes, तो उसको फाइनेंस कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। आप खुद कर रहे हो? 2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा हो रहा है। कैसे कर रहे हो? सैलरी ले रहे हो? Yes. कितना सैलरी ले? 75,000 each. जितना सैलरी ले रहे हो उतना बर्न कर रहे हो बेसिकली। आपका ग्रोस मार्जिन क्या है? हमारा 48%। बस, वो भी कम है। आप फूड कैटेगरी में हो। Yes. और इतने छोटे SKU का प्राइस 100 रुपया, तो हाउ कैन इट बी कि आपका ग्रोस मार्जिन 48% है? बाकी ब्रांड्स का प्राइस आपसे ज्यादा है, कम है? कम्पिटिटिव है। 8 साल हो गए बिजनेस को। Yes. अभी तक टोटल कितना लॉस हुआ है? हमने टोटल 2 लाख रुपीस टोटल लॉस किया है। हिस्टोरिकली 8 साल में 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सिर्फ हमारे जो लास्ट 4 इयर्स थे वो प्रॉफिटेबल थे। हमने पहले 2 साल लॉस किया था, उसके बाद हमने 3rd ईयर में जब हमने 60 लाख का किया था तो ब्रेक इवन किया था। फिर 2.29 लाख पे हमने प्रॉफिट बनाया था अराउंड 3%। एंड देन 4.4 CR का जब हमने किया था, देन वी ऑल्सो मेड प्रॉफिट। कितना परसेंट? अराउंड 3.5%। ठीक है। और हमारा जो नेट प्रॉफिट हमारा आता था वो हम मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में का। एक बार बताओ कि 8 साल हो गया यार बिजनेस मतलब ना ग्रो कर रहा है ना प्रॉफिट बना रहा है, थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कहीं पे कि समथिंग इज मिसिंग? आज आप बेच रहे हो जो, क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स? पिछले 2 साल क्या कर रहे थे आप? सर हमने उनसे डिस्कशन किया, हमें पायलट टेस्ट रन करने के लिए उन्होंने दिवाली के बाद। आपके कंपेटिटर्स का 50% बिजनेस क्विक कॉमर्स का रहा है। कुछ कहीं कमी है क्या? तो आपकी एनर्जी में, आपके एग्रेशन में, आपके बिजनेस करने के ढंग में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? है समझ नहीं आ रहा आप क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब मेरा क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। Were you negotiating on commission? No. फिर हमारे लिए एक एंट्री बैरियर है वहां पर। आप लेट हो गए थोड़ा सा। Yes, हम थोड़ा लेट हो गए, हमारे लिए उन्होंने वो एंट्री बैरियर बन गया। तो आपका प्रोडक्ट अगर बोलेंगे तो अभी शायद जो वो एंट्री बैरियर, इसका मतलब मार्केट फुल है, आपका प्रोडक्ट कुछ डिफरेंशिएशन नहीं लेके आ रहा है।
जितना अभी तक तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, ये प्रोडक्ट लोगों को नहीं चाहिए। आई थिंक स्नैकिंग एज ए कैटेगरी बहुत बड़ी है इंडिया में, बट जहाँ तक ये बिजनेस का सवाल, जिस तरह से आप कर रहे हो ई कॉमर्स में, आप पैसे नहीं बना पा रहे, क्विक कॉमर्स आप बोल रहे हो ब्लॉक कर दिया गया आपके, मॉडर्न रिटेल में यू कैन नॉट मेक मनी, बहुत मुश्किल, और जनरल रिटेल में आपके प्राइस पॉइंट पे ये बिल्कुल ही फिट नहीं होगा, बिक ही नहीं पाएगा, आप खुद समझ रहे हो उसको। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे धंधा नहीं लग रहा। मैं भी आउट होना चाहूंगा। मेरा तो जेन्यून आप लोगों के लिए सजेशन होगा कि आप लोगों को करंट स्टेट ऑफ बिजनेस तो बंद कर देना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। 8 साल हो गए बिजनेस को, 8 साल के बाद आप 7 करोड़ पे बैठे हैं, जीरो प्रॉफिट, इनफैक्ट लॉस पे है, और बिजनेस ग्रो भी नहीं कर रहा है। तो नीदर ग्रोथ है बिजनेस में नॉर प्रॉफिट है, इन दोनों में एटलीस्ट एक चीज तो ट्रू होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एनी बिजनेस। दोनों चीज नहीं है, और ये 2 दिन या 4 दिन नहीं हुआ, 8 साल जिंदगी के आप लोगों ने दे दिए हैं, तो सट इट, कहीं नहीं जाएगा वो। नहीं, आई डोंट अग्री विद हिम। आई थिंक 7-8 करोड़ का बिजनेस बनाना बूटस्ट्रैप करके एंड खुद की मैन्युफैक्चरिंग डाल के काफी इम्प्रेसिव है, बट आपकी जो ब्रांडिंग है मुझे तो बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स हैं, आपका लोगो इतना छोटा सा है, बट बाकी चीज़ें अलग अलग लिखी हैं। तो एंड माई सेंस इज कि आपका जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला DNA वो अभी टीम में मिसिंग है। ये एक वीकनेस है जिसकी वजह से आज मैं भी आउट हूँ, पर आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू अदरवाइज। थैंक यू। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा एक एग्रेशन कम है, लेट बैक एटीट्यूड लग रहा है, और वो रीजन की वजह से मैं आउट हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। आज मैं इससे बाहर हूँ, पैसा मत लगाओ मार्केटिंग में, टैलेंट में लगाओ, बिजनेस अभी भी बड़ा बन सकता है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड लक गाइस। गुड जॉब। बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए आपने रिचा जी। आई हैव टू गिव यू। आई विल बी अ कस्टमर, आई प्रॉमिस। मी टू। थैंक यू। आई लव देम। अरे उसके लिए मिलना तो चाहिए, कहाँ से खरीदोगे।